एक्स्ट्रा टाइम। कैसे फॉर्मूला वन रेसिंग का एक दीवाना बन गया टीम इंडिया क्रिकेट टीम का सुपरमैन विकेट्स के पीछे, ये कहानी है रिद्धिमान साहा की, जिन्होंने 1997 में क्रिकेट खेलना शुरू किया था। लेकिन उससे पहले वो फॉर्मूला वन रेसिंग के बहुत बड़े वाले भक्त थे और इनफैक्ट बड़े होकर वो खुद एक F1 रेसर बनना चाहते थे। बट ये बहुत ही महंगा स्पोर्ट है और रिद्धिमान साहा एक नॉर्मल मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, तो उनके परिवार के बस में नहीं था कि रिद्धिमान को इस स्पोर्ट में डाले वो लोग। तो फिर उनके पिता प्रशांत साहा, जो कि खुद एक क्रिकेटर थे, फुटबॉल भी खेला करते थे कोलकाता के मैदान में, उन्होंने रिद्धिमान साहा को सिलीगुड़ी अग्रगामी क्रिकेट कोचिंग सेंटर में एडमिट करवा दिया। यहाँ रिद्धिमान साहा को कोच मिले जयंत भौमिक और उन्हीं के अंडर रिद्धिमान साहा ने क्रिकेट की ट्रेनिंग शुरू की। एज अ टीनेजर रिद्धिमान साहा ने मीडियम पेस बॉलिंग स्टार्ट की, लेकिन उनके रिफ्लेक्सेस और फिटनेस नेचुरली बहुत अच्छी थी, तो इसलिए उनके कोच ने उनसे कहा कि तुम विकेट कीपिंग करो। एंड देन देयर वाज नो लुकिंग बैक। उसके बाद रिद्धिमान साहा कोलकाता आए क्लब क्रिकेट में अपना लक ट्राई करने के लिए और कुमारटोली क्लब से उन्होंने शुरुआत की। उसके बाद यहाँ के एक बड़े क्लब कालीघाट क्लब ने रिद्धिमान साहा को ऑफर किया और उनको अपनी टीम में रख लिया। इसके बाद शुरू हुआ रिद्धिमान साहा का रणजी ट्रॉफी करियर और बहुत ही ताबड़तोड़ तरीके से शुरू हुआ। अपने पहले ही मैच में उन्होंने बंगाल टीम के लिए सेंचुरी बनाई, बिकमिंग ओनली द 15th बंगाल प्लेयर टू मेक अ सेंचुरी ऑन डेब्यू। 2007-08 के सीजन की बात है ये। उसी साल इनको IPL का एक कॉन्ट्रैक्ट भी मिला कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम की तरफ से। रणजी ट्रॉफी में उस साल छठे विकेट की साझेदारी के लिए रिद्धिमान साहा 417 रन की साझेदारी में इन्वॉल्व थे, जो कि उस समय की हाइएस्ट पार्टनरशिप थी छठे विकेट के लिए। 9 फरवरी 2010 वो दिन है जब रिद्धिमान साहा ने अपना टेस्ट डेब्यू किया अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। ये भी बड़े अजीबोगरीब हालात में उनका टेस्ट डेब्यू हुआ। VVS लक्ष्मण फिट नहीं थे, रोहित शर्मा टेस्ट डेब्यू करने वाले थे अलॉन्ग विथ सुब्रमण्यम बद्रीनाथ, लेकिन वार्म अप करते टाइम रोहित शर्मा का एंकल ट्विस्ट हो गया और इस कारण वो उस टेस्ट मैच में नहीं खेल पाए। उस समय के कोच गैरी कर्स्टन ने फिर रिद्धिमान साहा को कहा कि नेट के बॉलर्स के साथ फटाफट ट्रेनिंग करना शुरू करो, और उसी टेस्ट मैच में रिद्धिमान साहा ने पहली बार टीम इंडिया के लिए खेला। सेकेंड इनिंग्स में उन्होंने 36 रन बनाए थे उस टेस्ट मैच में अगेंस्ट एन इनफॉर्म डेल स्टेन एंड मॉर्ने मॉकल। आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने कर दिखाया और ये दिखा दिया कि टीम इंडिया के टेस्ट टीम में एटलीस्ट वो लंबे समय के लिए रहने वाले हैं। उन्होंने 3 टेस्ट सेंचुरीज अब तक बनाई हैं। सबसे पहले वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट सेंट लूशिया में 9 अगस्त 2016, उसके बाद रांची में मार्च 16, 2017 अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया उन्होंने अपना हाईएस्ट टेस्ट स्कोर बनाया 117 का। उसी साल बांग्लादेश के विरुद्ध हैदराबाद में उन्होंने एक और सेंचुरी मारी। रिद्धिमान साहा ने विकेट के पीछे कुछ असाधारण कैचेस लिए हैं और इसीलिए उनको सुपरमैन कहा जाता है टीम इंडिया के दोस्तों द्वारा, और इसलिए उनका नाम सुपरमैन पड़ गया है। जनवरी 2018 साउथ अफ्रीका के विरुद्ध रिद्धिमान साहा ने 10 कैचेस लिए एक सिंगल टेस्ट मैच में, एंड ही बिकेम द फर्स्ट विकेट कीपर टू डू सो फॉर इंडिया। कोलकाता में नवंबर 2019 में जब बांग्लादेश के विरुद्ध पिंक बॉल टेस्ट मैच हुआ था इंडिया का पहला, हियर ही बिकेम द 5th विकेट कीपर फॉर इंडिया टू इफेक्ट 100 डिसमिसल्स इन टेस्ट क्रिकेट। हालांकि अभी हाल ही में उनको बहुत सारे इंजरीज हुए हैं, साथ में ऋषभ पंत भी उठकर सामने आए हैं, इसकी वजह से रिद्धिमान साहा के चांसेस थोड़े पीछे हो गए हैं, लेकिन ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि इस समय रिद्धिमान साहा दुनिया के बेस्ट विकेट कीपर्स में से एक हैं। Hit the subscribe option and the bell icon to get all the exclusive sports videos on Extra Time.